दिखाते हैं आपको जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दें, भगवान का जो भोग है, उनका जो प्रसाद है, उसको लेकर एक विवाद उठा है। और विवाद शुरू हुआ था तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट के साथ। वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, सुनवाई भी हुई और उसके कई पहलुओं पर पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई। बिल्कुल, भगवान के प्रसाद में मिलावट कैसे हो सकती है, ये कहां कहां हो रही है और इसके जिम्मेदार कौन कौन है, सवाल पर जांच पड़ताल के साथ देश भर के मंदिरों में खुद ही एक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। तो कहीं उनके प्रसाद में कोई गड़बड़ तो नहीं, भक्तों को इसकी शुद्धता की गारंटी कैसे दी जाए, ऐसे तमाम सवाल थे। और इस पर एक बड़ी गारंटी सामने आई है वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर से, जहां पर महीनों की गहन शोध और पड़ताल के बाद मंदिर प्रशासन ने बाबा विश्वनाथ के लिए एक ऐसा प्रसाद निर्मित किया जो स्वाद से लेकर शुद्धता तक पूरी तरह से अद्भुत है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, यहाँ भगवान शिव की मौजूदगी का एहसास इतना विराट होता है कि मन भक्ति भाव से भर उठता है। पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भगवान भोले की महिमा और श्रद्धालुओं के भक्ति भाव से सराबोर दिखता है। लेकिन ये भाव है, इसकी शुद्धता आध्यात्मिक है, लेकिन जो भौतिक है उसकी शुद्धता का क्या? वो भौतिक चीज है यहाँ चढ़ने वाला प्रसाद, जिसकी शुद्धता मंदिर प्रशासन ने नए तरीके से सुनिश्चित की। हरे रंग की आभा लिए ये भूरे लड्डू भगवान विश्वनाथ का नया चढ़ावा है। इसे नाम दिया गया है तंदुल महाप्रसाद। भगवान विश्वनाथ का नया चढ़ावा तंदुल से बना महाप्रसाद। आठ दस महीने पहले निर्णय लिया गया था कि शिव जी के ऊपर अर्पित होने वाली शास्त्रोक्त प्रक्रियाओं के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार रिसर्च करके हम लोग एक रेसिपी तैयार करें और उसी का प्रसाद भक्तों में वितरित करवाएं। तंदुल का मतलब होता है चावल। इससे लगने वाले भोग का जिक्र वेद पुराणों में मिलता है। भगवान कृष्ण जब सुदामा से मिले थे तो उन्हें चावल की पोटली दी थी। भगवान शिव को चावल के आटे से ही भोग लगाया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के नए प्रसाद में मुख्य सामग्री चावल ही है, लेकिन इसमें और भी ऐसी सामग्रियां हैं जो बाबा के पिछले प्रसाद में नहीं थी। यहां पर एक बात पहले जान लीजिए, बाबा विश्वनाथ के नए महाप्रसाद और तिरुपति बालाजी प्रसादम विवाद का आपस में कोई सीधा लेना देना नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने बाबा के लिए नए प्रसाद का ऐलान बीती महाशिवरात्रि के आसपास ही कर दिया था। उस ऐलान के साथ नए प्रसाद की सामग्री और विधि तय करने के लिए एक टीम बनाई गई थी। ये महाप्रसाद उसी टीम की गहन रिसर्च का नतीजा है। रेसिपी बनाने का जो रिसर्च था वो लगभग 4-5 महीने चला और बहुत से ग्रंथों का, पुराणों का इसमें अध्ययन किया गया और शिवजी के ऊपर क्या प्रसाद अर्पित होता है उन सब की रिसर्च के बावजूद बाद ये सारे इंग्रेडिएंट निकाले गए, उनके प्रोपोर्शन तैयार किए गए और उसके माध्यम से इसके सैंपल तैयार किए गए। बाबा विश्वनाथ को चढ़ावे वाले प्रसाद की शुद्धता का ख्याल हमेशा से ही रखा जाता रहा है। इसके सैंपल की जांच पड़ताल नियमित अंतराल पर होती रही है। यहाँ खास बात है नए महाप्रसाद की, जिसे नई सामग्रियों के साथ तैयार किया गया है। बाबा के नए महाप्रसाद में नई सामग्री है बेलपत्र। प्रसाद में बाबा पर चढ़ाए गए बेलपत्रों का चूर्ण मिलाया गया है। बेलपत्र के औषधीय गुणों की जानकारी टीम को रिसर्च के दौरान मिली। प्रसाद में तंदुल यानी एक खास तरह के चावल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें तय मात्रा के मुताबिक खांड, घी, खोवे, लौंग, काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया है। प्रसाद बनाने के लिए कारीगर को स्नान करना होता है। ये तय करना होता है कि वो लहसुन प्याज से सख्ती से परहेज करे। महाप्रसाद को फाइनल करने से पहले करीब 50 सैंपल्स की टेस्टिंग की। इसके बाद प्रसाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण संस्थाओं से मंजूरी मिली। लगभग 40-50 प्रकार के सैंपल पिछले 3-4 महीने में तैयार करने के बाद अब ये प्रसाद का फाइनल रूप पिछले 10 दिन में आ गया है और इसके बाद इसकी पैकिंग आदि, शुद्धता आदि का सारा ध्यान रखते हुए ये प्रसाद तैयार किया गया है। मुख्य रूप से चावल के आटे से ये प्रसाद बना है। साथ ही इसमें विशेषता ये रहेगी कि जो बेल भगवान पत्र को बिल पत्र अर्पित होते हैं, भगवान श्री काशी विश्वनाथ के अर्पित बिल पत्र को लेकर उनका चूर्ण बना के उसका मिश्रण इस प्रसाद में करवाया गया है। तो इसका प्रत्येक लड्डू जो है वो लगभग संतुल्य है कि वो स्वयं ही जैसे विश्वनाथ जी पे चढ़ा हुआ हो। फिलहाल बाबा विश्वनाथ के प्रसाद को बनाने का जिम्मा अमूल कंपनी को दिया गया है। मंदिर परिसर में और उसके बाहर तंदुल महाप्रसाद अमूल के ही काउंटर पर मिलेगा। मंदिर प्रशासन के मुताबिक कंपनी ने तय नियमों और शर्तों के मुताबिक 10 दिनों का प्रसाद तैयार कर लिया है।
ये प्रसाद बाबा विश्वनाथ के भोग के लिए बनाए जाने वाले प्रसाद से अलग तैयार किया जाता है। बाबा विश्वनाथ के भोग का प्रसाद मंदिर के गर्भगृह में तैयार होता है, जबकि भक्तों के लिए बनने वाले प्रसाद के लिए अलग व्यवस्था की गई। महाप्रसादम की शुद्धता को लेकर कोई संदेह न हो, इसके लिए ये तय किया गया है कि नया प्रसाद मंदिर में ही बनेगा और मंदिर में लगे स्टॉल्स पर ही बिकेगा। बाबा विश्वनाथ का महाप्रसाद भले ही बदल गया है, लेकिन इसकी कीमतों में कोई अंतर नहीं है। तंदुल महाप्रसाद के सबसे छोटे डिब्बे में 4 लड्डू रखे गए हैं, जिसकी कीमत 50 रुपए तय की गई है। इसे आप ऑनलाइन दर्शन के साथ घर पर भी मंगवा सकते हैं। और देखिए, हमारी सनातन परंपरा में प्रसाद भोजन का वो हिस्सा है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है, और इसीलिए ये पवित्र और दिव्य शक्ति वाला कहा जाता है, माना जाता है। इसे देवताओं का भोग यानी भोजन माना जाता है, और भक्तों के लिए भगवान के वरदान का ये प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर में नया महाप्रसाद इसी प्रतीक के हिसाब से संशोधित किया गया है। आपको दिखा देते हैं देश के 2 और बड़े मंदिरों के प्रसाद में बदलाव की रिपोर्ट क्या है। देखिए, हमारी स्पेशल रिपोर्ट है जो हम अयोध्या से लेकर आए हैं, अयोध्या के श्री राम मंदिर और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से ये खास रिपोर्ट। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भक्तों की चहल पहल बढ़ी है। महाकाल की नगरी उज्जैन में नए कॉरिडोर के बाद जो रौनक और श्रद्धालुओं की आमद बढ़ी, वो आए दिन सुर्खियों में रहती है। अब सुर्खियां हैं देश के इन दोनों मंदिरों के चढ़ावे, भक्तों के बीच भगवान के आशीर्वाद की तरह पावन माने जाने वाले प्रसाद। पहली बात उज्जैन के महाकाल मंदिर की, जिसके प्रसाद की पैकेजिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश ने प्रसाद के पैकेज को लेकर नई व्यवस्था तय कर दी है। दरअसल महाकाल के प्रसाद के पुराने डिब्बे पर मंदिर का शिखर और ओम का चिन्ह था। प्रसाद ग्रहण के बाद लोग इसे डस्टबिन या कहीं और फेंक देते थे। इस पर कुछ संतों ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट पहुंचे संतों के मुताबिक जिस डब्बे पर महाकाल मंदिर का शिखर और हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माने जाने वाले ओम का निशान छपा हो, उसे कचरे में डालना धर्म का अपमान है। संतों की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने महाकाल मंदिर प्रशासन को 3 महीने का समय दिया था। कोर्ट ने माना था कि मंदिर के शिखर और ओम लिखे पैकेट को डस्टबिन में फेंकना धार्मिक भावना का अपमान है। कोर्ट के निर्देश के बाद हालांकि महाकाल मंदिर ट्रस्ट ने 3 महीने से ज्यादा का समय लिया, लेकिन अब जो महाकाल मंदिर के प्रसाद का नया पैकेज बना है, उस पर मंदिर का शिखर और ओम नहीं लिखा होगा। ये सनातन धर्म की रक्षा, उनके भगवान के जो अपमान होता है फोटो का, उनके चित्र का, उसको रोकने के लिए ये व्यापारी हैं, चाहे उद्योगपति हैं, चाहे जनता है, हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए। समिति ने पूर्व में निर्णय लिया था कि इस पर जो फोटो है शिखर की, इसको हटाया जाए, और इसके बाद इसको क्रियान्वित करते हुए वो फोटो भी हटाई गई है, और पूरा एक नया डिजाइन करने का भी मंदिर समिति ने निर्देश दिया है। तो डिजाइन जैसे फाइनलाइज होगा तो पूरा नया डिजाइन भी अडॉप्ट किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब कुछ ऐसा होगा महाकाल के प्रसाद का डब्बा। पैकेट में बदलाव के साथ भक्तों के लिए महाकाल का प्रसाद भी पहले से बेहतर किया गया। महाकाल मंदिर में बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया जाता था, अब इसके साथ भक्तों को सांची का पेड़ा भी दिया जाएगा। सांची का पेड़ा दूध और खोए से बनता है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि ये 1 महीने तक खराब नहीं होता। महाकाल के लड्डू भी सांची के शुद्ध घी से ही बनते हैं। महाकाल के लिए सिर्फ लड्डू तैयार करने में हर महीने सांची के घी की खपत 50 टन तक होती है। त्योहारों के वक्त महाकाल मंदिर में रोजाना 60 से 70 क्विंटल लड्डू के प्रसाद की खपत होती है। अगर प्रसाद के खपत के लिहाज से देखें तो इस साल सबसे ज्यादा भीड़ अयोध्या के श्रीराम मंदिर में है। जनवरी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया भर से भगवान राम के भक्तों का तांता लगा हुआ है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनवरी के बाकी 9 दिनों में ही करीब 1 करोड़ लोग अयोध्या पहुंच गए। उसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। अयोध्या में आने वाले भक्तों की संख्या सीधे 50 गुना ज्यादा बढ़ी है। एक आध दो नहीं, जो संख्या मैक्सिमम 10 से 12 हजार हुआ करता था,
वो सीधे 3 लाख नित्य प्रतिदिन की संख्या धर्म नगरी अयोध्या की है। पूजा पद्धति हमारी सनातन धर्म में है, उसमें नैवेद्य की परंपरा है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। लोगों की मान्यता के अनुसार भी लोग जैसे अपने आप में जो है किसी प्रकार का कोई जो है कबूलती करते हैं, उसमें मनौती मानते हैं, मनौती के हिसाब से भी नैवेद्य चढ़ाने की परंपरा है। इस भीड़ के साथ यहाँ मिलने वाले श्री राम प्रसादम की बिक्री भी कई गुना बढ़ चुकी है। हम आपको बताते हैं अयोध्या में भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद में क्या क्या होता है। इस खास पैकेट में कुल अयोध्या से जुड़ी 11 चीजें होती हैं। इसमें रामलला की फोटो, सरयू नीर और चरण पादुका खास होती है। इसके अलावा सुंदरकांड, चंदन, हनुमान चालीसा और अयोध्या रज भी शामिल होता है। इस खास पैकेट में अयोध्या के 4 मंदिरों का प्रसाद होता है, राम जन्मभूमि का इलायची दाना, कनक भवन का खुरचन पेड़ा, अमावा मंदिर का रघुपति प्रसाद और हनुमान गढ़ी का लड्डू। अयोध्या में प्रसाद का यह खास पैकेज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद डिजाइन किया गया है। भक्तों के दिलों में अयोध्या को लेकर आस्था की तरह इसकी सामग्री का भी खास ख्याल रखा जाता है। ये प्रसादम आप अयोध्या में दर्शन के साथ ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। Zee News.